हेलो गाइस, वेलकम टू पहलवान डॉग कैनल। तो आज हम आए हैं उमेश जी के डॉग कैनल पर, यानी कि डॉग फार्म पर। उमेश जी यानी कि मेरे पापा जी। तो चलते हैं कैनल के अंदर और दिखाते हैं आपको डॉग्स और बात करवाते हैं पापा जी से। मतलब सारी जानकारी लेंगे आज, किस तरह से उन्होंने मतलब इस बिजनेस में कदम रखा और किस तरह से वो डॉग्स की केयर करते हैं। तो मैं पापा जी से वो सारे सवाल पूछूंगा जो आप जानना चाहते हैं। ये है मेरे पीछे कैनल और चलते हैं अंदर और मिलवाते हैं आपको उमेश पहलवान जी से। तो इस कैनल की एंट्री होती है यहाँ से शुरू। तो वैसे तो परिचय की जरूरत नहीं है, बट फिर भी जो लोग आपको नहीं जानते या जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम उमेश पहलवान है और गांव अट्टा है, जिला आपड़ में लगता है, रहता हूं मेरठ में। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं कि आपका डॉग कैनल ये काफी बड़ा है और काफी लंबी चौड़ी जगह में आपने बना रखा है। तो क्या मैं जान सकता हूं कि ये कितनी जगह में बना हुआ है? ये 400 गज जगह ली थी। अच्छा, 400 गज जगह है ये, क्योंकि डॉरमैन डॉग को घूमने फिरने को दौड़ने को। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज के लिए जैसे काफी जगह चाहिए होती है। तो जैसे कि आपने पहले भी बता रखा है कि ये डॉग्स का जो आपने मतलब ये इतना सब कुछ बनाया है कैनल वगैरह, तो ये आपने सिर्फ शौक के तौर पर शुरू किया था, तो आपको कैसे इनका शौक लगा और कैसे एक डॉग से आपने इतने सारे डॉग्स कैसे कर लिए? बस गांव में भी रखता था मैं डॉग। अच्छा। और गांव में काफी दिन रखे मैंने, एक दो डॉग रखता था गांव में भी, फिर मेरठ आ गए, मेरठ कर लिया। अब मैंने सोचा कि शौक भी होता रहे अपना, यहाँ जगह लेकर मैंने 400 जगह ली है और डॉग और बढ़ा लिए, साथ साथ थोड़ा सा अपना खर्चा भी निकलता है। अच्छा अच्छा, मतलब शौक के तौर पर शुरू करा था आपने मतलब एक डॉग से। तो अभी आपके पास कितने डॉग्स होंगे कुल मिलाकर? कम से कम मेरे पास सारे यूरोपियन डॉग हैं। अच्छा, यूरोपियन डॉग्स हैं आपके पास, यूरोपियन डोबरमैन। 8 फीमेल है मेरे पास, एक स्टड है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपने अपने हाथ में ले रखा है या आपके पास खड़ा है, तो ये यूरोपियन डोबरमैन है। अच्छा, तो यूरोपियन डोबरमैन और अमेरिकन डोबरमैन में कुछ फर्क बताना चाहेंगे आप जो दर्शकों को पता लग सके? बस फर्क ये है कि यूरोपियन और अमेरिकन में ये यूरोपियन की शाइनिंग ज्यादा होती है। अच्छा, शाइनिंग ज्यादा होती है, हैवी होते हैं, बोन भी बहुत हाई होते हैं इनके। अच्छा, हैवी बोन होते हैं ये। ये तो आपको भी दिख रहा होगा, वीडियो देख के पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतने हैवी बोन है इनके, कलर शाइनिंग बहुत हैवी होती है। अच्छा, डॉग से जांच पड़ जाएगी, इतनी फीमेल है ये। अमेरिकन का थोड़ा बारीक साइज होता है। अच्छा, अमेरिकन जो डोबरमैन होता है वो थोड़ा बारीक दिखता है दिखने में जी। अच्छा, मेरे पास सब लाइन यूरोपियन है। तो अच्छा ये बताइए, जैसे ये फीमेल्स हैं, ये मेरे साइड में एक फीमेल है, ये भी यूरोपियन डोबरमैन है। सिट। तो ये काफी समझदार ये फीमेल है। अच्छा, इसका नाम क्या है? जीना। इसका नाम है जीना। तो जैसे इन सब के बच्चे होते होंगे, तो वो पपीज आप ऑल ओवर इंडिया सेल करते हैं? पूरे ऑल इंडिया सर। अच्छा, तो मतलब जैसे किसी को लेना हो वीडियो के थ्रू या फिर कैसे भी, तो आप ऑल ओवर इंडिया आप भिजवा सकते हैं या फिर लोगों को ही यहीं आना पड़ेगा लेने के लिए? नहीं, भिजवाते भी हैं। अच्छा, भिजवा भी सकते हैं और वो उन्हें आना है? भिजवा भी रखते हैं। अच्छा, तो अगर किसी को आना हो तो आ भी सकता है? बिल्कुल, वरना घर बैठे सर्विस। देखो, वीडियो कॉलिंग करके डॉग देखो, बिना प्रूफ के कोई मतलब। बिल्कुल। तो अच्छा, जैसे काफी लोग आपकी वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अगर कोई चाहता है कि कैनल की वो भी शुरुआत करे और डॉग मतलब एक तरह से बिजनेस में उतरे या फिर कुछ भी अपने शौक के लिए करे, तो उन लोगों के लिए क्या सावधानी है, मतलब कुछ आप बताना चाहेंगे कि उन लोगों को किस चीज को ध्यान में रखते हुए मतलब बनाना चाहिए कैनल? कैनल तो क्या लोग रख रखी है क्वालिटी, मैंने भी काफी दिन तक ये अमेरिकन भी रखे हैं, सब डॉग रख के देख लिए, सबसे टॉप डॉग मुझे डॉरमैन लगा। अच्छा, एक तो बीमारी बहुत कम पकड़ता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एक्टिव डॉग है। एक्टिव डॉग है बिल्कुल। तो अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो उसे मतलब ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास प्योर ब्रीड हो। प्योर ब्रीड रखो, प्योर ब्रीड। और आपके पास जैसे जितने भी ये डॉग्स हैं, ये सब केसीआर रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं है? सब केसीआर। सब केसीआर रजिस्टर्ड हैं। कोई भी बच्चा लेने से पहले सारे डॉग के डॉक्यूमेंट देखो। अच्छा, सब डॉग मतलब जो भी कोई पपीज लेना चाहता है, वीडियो कॉलिंग करके मेरा डॉग देखो। अच्छा, किसी तरह की ऐतराज वाली बात नहीं। अच्छा, लोग बात क्या करते हैं, बच्चे उठा के ले आए, लोग घर पे एक भी नहीं उनके, बताते हैं। अब बहुत तो मेरी यूट्यूब से नंबर निकाल के डॉग का फोटो निकाल के अपने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। अच्छा, एक तरह से मतलब फर्जी काम करते हैं कि आपके डॉग्स की वीडियो अपने चैनल पर या फिर अपना डॉग्स बनाकर दिखाते हैं दूसरों को और बच्चे सेल करते हैं। एक तरह से फर्जी का काम हो रहा है, तो वो तो दर्शक सावधान रहेंगे ही।
तो पहलवान जी का पहलवान डॉग केनल विजिट करके हम आ चुके हैं बाहर। तो पापा जी के डॉग्स और इनका सारा केनल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पपीज से रिलेटेड या डॉग से रिलेटेड या कुछ भी सवाल जवाब जो पापा से आप करना चाहते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से कॉल कर पापा जी से पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही और भी मजेदार वीडियोस के लिए उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।